Good morning, Pyare Bacho. I am Lakhan Kumar, your math teacher. Today we will discuss about the chapter 11 of your math book, class 7th, Area and Parameter. Okay, let me read about it. First, parameter of a rectangle. Parameter of a rectangle. Here you can see a rectangle is given here and, and it has length. is equals to four and width is equals to two okay centimeter or meter जो भी है उनकी बनोगे क्वेश्चन में to calculate the perimeter of an object or shape you will need to add the length and width then multiply by two okay अगर किसी भी ऐसे shape या ऐसे object का हमने perimeter निकालना है जो कि rectangle है rectangular shape का है तो हमने क्या करना है कि हमें लेंथ और ब्रथ दोनों को ऐड कर देना है और ऐड करने के बाद उसको टू से मल्टीप्लाई कर देना है तो दैट मीन्स द फॉर्मलाइज टू मल्टीप्लाई एल प्लस बी टू मल्टीप्लाई एल प्लस बी इज इक्व टू हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि ये टू टाइम्स है ये स्टेप जो है ये टू टाइम्स है तो लेंथ प्लस ब्रथ प्लस लेंथ प्लस ब्रथ यानी पैरामीटर क्या होता है जो बाउंड्री होती है उसकी लेंथ तो इन सभी का एडिशन तो आपको पता है कि ये जो लेंथ है वो इस लेंथ के इक्वल है और ये बिट जो है वो इस बिट के इक्वल है तो हमने एक एक टाइम लिया और दोनों को ऐड कर दिया और टू से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका मतलब हमारे पास पैरामीटर आ जाएगा चाहे आप चारों को ऐड कर दो दैट ऑल्सो पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल ओके क्योंकि टू ये टू होगा और ये फोर है तो ये भी फोर होगा इन सभी का एडिशन दैट इज़ द पैरामीटर बाउंड्री ऑफ द रेक्टेंगल क्लियर लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द रेक्टेंगल तो यहाँ पर आप एडिशन कर सकते हो टू प्लस फोर सिक्स सिक्स टू या ट्वेल्व ट्वेल्व इज द पैरामीटर ऑफ इट आप ऐसे भी कर सकते हो टू प्लस फोर सिक्स सिक्स प्लस टू एट एट प्लस फोर ट्वेल्व तो ट्वेल्व ही आएगा आंसर है ना दोनों ही मेथड से सेम आएगा क्योंकि वो फॉर्मूला इसी से ही बना है नेक्स्ट वन ट्राई टू फाइंड द पैरामीटर ऑफ दीज रेक्टेंगल्स अब आपको इन सभी रेक्टेंगल्स का पैरामीटर फाइंड आउट करना है तो आप कर सकते हो तो सबसे पहले इसका करोगे तो दोनों को प्लस करना है और टू से मल्टीप्लाई कर देना है तो थ्री प्लस वन इज इक्व टू फोर फोर टू जा एट एट इज दिस अब इसका जो है वो हमारे पास टू प्लस फाइव मल्टीप्लाई विद टू इट मीन्स कितना आ जाएगा टू प्लस फाइव टेन टेन टू जा ट्वेंटी इसके अंदर टू प्लस सिक्स एट एट टू जाट टू जिक्सटीन इसके अंदर फोर प्लस थ्री सेवन सेवन टू जा फोर्टीन ये हमारे पास हो गया पैरामीटर्स ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स नेक्स्ट वन पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर पैराीटर ऑफ अ स्क्वायर वे दैट इज़ वेरी सिंपल टू फाइंड द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर मल्टीप्लाई द साइड्स बाय फोर क्योंकि इसमें तीनों चारों साइड जो होती है वो इक्वल होती है तो या तो आप इन सभी का एडिशन कर दो या फिर आप क्या करो कि एक साइड लेकर के उसको फोर से मल्टीप्लाई कर दो ओके फोर मल्टीप्लाई विद द साइड दैट इज द फॉर्मूला ऑफ पैरामीटर ऑफ स्क्वायर पैरामीटर ऑफ स्क्वायर ये हो जाएगा फॉर्मुला के फोर मल्टीप्लाई विद साइव क्योंकि चारों को ऐड करो या फोर से मल्टीप्लाई कर दो एक साइड को दोनों का सेम ही होगा क्योंकि चारों साइड इक्वल है तो फोर टू थ्रीजा ट्वेल्व ट्वेल्व इज द आंसर ऑफ इट नेक्स्ट वन यहाँ देख सकते हो फाइंड द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर तो इट मीन फाइव है तो फाइव को ऐड कर लो या फिर फोर मल्टीप्लाई विथ फाइव दैट इज ट्वेंटी यहाँ पर फोर मल्टीप्लाई विथ सिक्सटीन is equals to 64 4 multiply with 25 is equals to 100 a parameter is 8 multiply with 4 any 32 4 multiply with 12 48 these are the parameters of square next one area of a rectangle रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है एरिया दैट मीन्स द सर्फेस ऑक्यूपाइड बाय द होल रेक्टेंगल ये पूरा जो सर्फेस है ये कितना इसने ऑक्यूपाई किया है ये पूरा अंदर का पहले तो हम सिर्फ बाउंड्री की बात कर रहे थे अब इनर सब कुछ तो दैट इज दैट इज द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिटरमाइंड बाय द मल्टीप्लाइंग द लेंथ एंड ब्रथ दैट इज द सिंपल फार्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इन टू ब्रिथ यानी दोनों को मल्टीप्लाई करने टू फोर जा एट एट इज़ द आंसर ऑफ इट नेक्स्ट वन इसको हम स्क्वायर की फॉर्म में समझ सकते हैं एरिया ऑफ अ स्क्वायर ऑफ और रेक्टेंगल कैसे होगा कि हमने क्या किया है टू और फोर था ना तो हमने क्या किया इसको फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया और ये टू था तो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया अब इसमें कितने हैं स्क्वायर्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट इज द एरिया ऑफ इट क्योंकि हम एरिया जो है वो स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं तो लिखते हैं ना यूनिट क्या बनता है सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर ये होता है ना तो इसके अकॉर्डिंग होगा नेक्स्ट वन फाइंड द एरिया ऑफ दिज रेक्टेंगल्स थ्री मल्टीप्लाई विद वन इज इक्व टू थ्री टू मल्टीप्लाई विद फाइव दैट मीन्स टेन और टू मल्टीप्लाई विद सिक्स ट्वेल्व थ्री मल्टीप्लाई विद ट्वेल्व ओके तो मीटर स्क्वायर है सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी हो आंसर आ जाएगा पैरामीटर का होता है सेंटीमीटर पैरामीटर का तो सेंटीमीटर होता है और एरिया का होता है सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर या है ना इस तरीके से हम कर सकते हैं नेक्स्ट वन एरिया ऑफ अ स्क्वायर दैट इज़ वेरी सिंपल टू यू फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर बाय मल्टीप्लाइंग द साइड ऑफ बाय इट्सल्फ यानी हम क्या करेंगे

हम कर सकते हैं टू फिफ्टी सिक्स और ट्वेंटी फाइव स्क्वान्स ट्वेंटी इसी तरीके से ट्वेल्व स्क्वाड फोर्टी फोर एंड एट स्क्टी फोर इज द आंसर हियर नेक्स्ट वन तो इट इज द कंप्लीट नॉलेज अबाउट द नॉलेज अबाउट द एरिया एंड द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर योर एक्सरसाइज एलेवन पॉइंट वन इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन दिस नॉलेज So, you have to try it. If you have any kind of doubt, then you can ask me later. Okay, thank you.